22 सितंबर को इस देश का प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस के लिए यूएस जाने वाले हैं। हम उसी दिन यूनाइटेड नेशन के उस कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर, यूनाइटेड नेशन के बाहर, वहां पर इस देश के प्रधानमंत्री का विरोध हम करेंगे। ईवीएम के बारे में हम लोग वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी एक याचिका डाल रहे हैं, उसके ऊपर भारत के जो हमारे जजेस है उनसे सारा हम लोग जानकारी हासिल करके वहां पर हम लोग एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। नॉन बीजेपी और नॉन आरएसएस के पार्टीज है, हमको लगा कि कम ये तो संविधान को बचाने की बात करेंगे, लेकिन हमको पता चल रहा है कि इनको भी कोई लेना देना नहीं है। ईवीएम मशीन हैक होती है उनसे कोई लेना देना नहीं है, ये संविधान हटता है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे सामने सिर्फ आकर नाटक करने का काम ये कर रही है। जो भारत में मॉब लिंचिंग्स की घटनाएं हो रही है, दलितों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, कहीं पर भी कोई घटना होती है तो मीडिया उसको नहीं बता रहा, मीडिया का जो पिलर है वो पूरी तरह से तहस महस हो गया है। पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहां के प्रेसिडेंट को शिक्षा दे सकता है, उतनी ताकत पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, लेकिन यहाँ का इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, वहां के टॉप मोस्ट जजेस बाहर आकर रो रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। यानी पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट जज, उसके हाथ में वो ताकत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जजेस के हाथों में वो ताकत नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट का भी पिलर पूरी तरह से खत्म हो गया है, पार्लियामेंट हमारे हाथों में है ही नहीं, वो पूरी तरह से आरएसएस ने काबिज कर ली है, और एडमिनिस्ट्रेटिव वहां पर अभी सीधे सीधे लेटरल इंटरव्यूज लेकर पूरे ब्राह्मणों को घुसाया जा रहा है। तो इस तरह से भारत का जो लोकतंत्र जिन चार पिलरों के ऊपर खड़ा है, ये पूरी तरह से उसके ऊपर कब्जा हो चुका है, और इसलिए भारत में कोई आंदोलन करने के बजाय हम लोग भारत के बाहर से, भारत की ये जो प्रणाली है, वो जारी सिस्टम है, इसके ऊपर हम लोग दबाव तंत्र लाने के लिए भारत के बाहर से हम लोग ये आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस हो, पार्लियामेंट स्क्वायर जो लंदन में है वहां पर हो, और जहां कहीं पर भी हम लोगों को ये पता चलता है कि ये भारत के ऊपर दबाव बना सकते हैं, वहां वहां पर जाकर ये बात रखेंगे। अभी मुझे एक बात पता चली है, एक इंटरव्यू वायरल हुआ है जो यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरव्यू है, वॉशिंगटन का इंटरव्यू है, वहां पर हमको ये बात पता चली है कि भारत में जो एक डेलीगेशन यूनाइटेड स्टेट्स ने तैयार किया था, कि जो तबरेज का जो यहां पर मैटर हुआ था, जिस तरह से उसको पेड़ पर बांधकर मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई थी, इस सारी धार्मिक घटनाओं का मुआयना करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने एक डेलीगेशन तैयार किया कि भारत जाए और सही सही परिस्थिति वहां की जांच कर रिपोर्ट बनाकर वो यूनाइटेड स्टेट्स को और यूनाइटेड नेशन को सुपुर्द करे। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि भारत के एम्बेसी ने, जहां पर एम्बेसी के भी लोगों में आरएसएस के लोग घुसा दिए हैं, इन सारे डेलीगेशंस को उन्होंने वीजा ही इनकार कर दिया। अब भारत के बाहर से कोई भी परिस्थिति यहां पर होती है वो जान नहीं पाएंगे, और इसलिए हम लोगों को भारत के बाहर जाकर सच्चाई वहां पर हमको बतानी होगी। यहां का सिख हो, यहां का मुस्लिम हो, या बुद्धिस्ट हो, या क्रिश्चियन हो, कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी हो, बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में हम लोगों के लिए रिलीजियस राइट्स यहां पर रखे हुए हैं, और अगर इसका कोई उल्लंघन होता है तो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट का एक उल्लंघन होगा, और इसलिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट का अगर उल्लंघन होता है तो यूनाइटेड नेशंस हमारे बचाव के लिए आगे आ सकती है, और इसलिए हम लोग वहां पर जाकर अपनी बात को रखने के लिए। आज इंडिया में हम लोगों को पता है कि हमको न्याय नहीं मिलने वाला, यहां का राष्ट्रपति खुद जब किसी मंदिर में जाता है तो वहां के ब्राह्मण उनको धक्के मारकर निकाल रहे हैं, वो राष्ट्रपति खुद के लिए नहीं न्याय मांग सकता, तो हम किनके सामने अपनी बात रखने वाले हैं? अगर यहाँ का राष्ट्रपति खुद के लिए न्याय नहीं मिलवा सकता तो हमको कौन न्याय देगा? सुप्रीम कोर्ट हमको न्याय नहीं देगी, हमको पुलिस न्याय नहीं देगी, हमको कोई यहां पर न्याय नहीं देने वाला, और इसलिए हम लोग भारत में ये सारी बातें रखने के बजाय भारत के बाहर से ये आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं कि हम लोग सिस्टमैटिक वे से काम कर रहे हैं। मैं खुद नेदरलैंड वहां पर भी हम लोग वकीलों की पूरी जानकारी ले रहे हैं। ईवीएम के बारे में हम लोग वहां पर
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी एक याचिका डाल रहा है उसके ऊपर, भारत के जो हमारे जजेस है उनसे सारा हम लोग जानकारी हासिल करके वहां पर हम लोग एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में हम लोग वहां पर अपनी बात रख रहे हैं कि किस तरह से रिलीजियस हमारे अधिकार यहां पर छीने जा रहे हैं, हम लोगों को रिलीजियस वे में भारत में कैसे सिक्योर कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी को हम लोगों ने इतने सालों तक एक पॉलिटिकल आइकॉन के माध्यम से हम लोगों ने भारत में प्रेजेंट किया। बाबा साहब अंबेडकर जी को दलित आइकॉन के नाम से हम लोगों ने प्रेजेंट किया, लेकिन इतने सालों तक बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्तियां आज भी तोड़ी जाती है। हैदराबाद में बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति को बाबा साहब अंबेडकर जी के ही जन्मदिन पर उनके जयंती पर तोड़ा गया। तो बाबा साहब अंबेडकर जी को पॉलिटिकल आइकॉन, दलित आइकॉन बनाकर भी हम लोग वो अधिकार नहीं पा सक रहे, तो इसलिए अब हमको बाबा साहब अंबेडकर जी को एक रिलीजियस आइकॉन के माध्यम से, भारत में बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया है, इस माध्यम से जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है और जितने भी लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं उनके सामने हमको ये बात रखनी होगी, और जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज है मैं उनका साथ इसमें चाहूंगा। बाबा साहब के संविधान के वजह से हम लोगों को एक बहुत बड़ी ताकत हमारे हाथों में है, वो है हमारी रिलीजियस फ्रीडम की ताकत। इसको अगर कोई भी हाथ लगाता है तो पूरा विश्व हमारे समर्थन में खड़ा हो सकता है, ये बात हम लोगों को पता चलनी चाहिए। मुस्लिम लोगों को भी ये कहना चाहूंगा कि तबरेज का जो मैटर है, ये तबरेज प्रकरण में यहां पर किसी से न्याय मांगने के बजाय हम लोगों को अगर यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये जो एक संस्था है, इसके सामने अगर हमारे न्याय मांगे तो मोदी के ऊपर भी पूरा प्रेशर यूनाइटेड स्टेट्स बना सकती है, इतनी ताकत हमारे हाथों में है। और इसलिए हम लोग ये किस तरह से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन के माध्यम से पूरा पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं पर भी अंबेडकराइट्स वहां पर है, उनका एक बहुत बड़ा संगठन एम के माध्यम से काम कर रहा है। तो एम से मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं अभी पिछले 2 महीने पहले यूनाइटेड नेशंस में था, न्यूयॉर्क में था, दुबई में था, अबू धाबी में था, तो इन सारे देशों से अंबेडकराइट लोगों को हम लोगों ने इस बात के लिए तैयार किया है कि भारत में हम लोगों को अगर सुरक्षित रहना है तो हमारी आवाज आप लोगों को अपने अपने देशों से उठानी है, अपने अपने यहां से डेलीगेशंस को वहां पर जाके निवेदन देना है, सरकार को निवेदन देना है, और इसी पहल, इसी मुद्दे को आगे लेके जाते हुए हम लोग लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर पर ये बात रख रहे हैं, ताकि लंदन में पता चले कि भारत में हम लोग किस समस्या से गुजर रहे हैं। मुस्लिम्स यहां पर जब भी प्रताड़ित होता है तो मैंने कभी नहीं देखा कि वो किसी बाहर जाकर निवेदन दे रहा है। मुस्लिम्स इस देश में प्रताड़ित भी होता है तो वो कोई रिएक्शन नहीं देता, वो कहीं रास्तों पे ऊपर उतर कर धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा। जो काम मुस्लिम लोगों को करना चाहिए था कि भारत के बाहर से उनको भारत पे प्रेशर बनाना चाहिए था, वो काम नहीं हो पा रहा। क्रिश्चियंस के ऊपर एक बहुत बड़ी अथॉरिटी उन्होंने क्रिएट कर रखी है कि क्रिश्चियंस अपनी बातों को भारत के बाहर से मनवाते हैं और भारत में आज क्रिश्चियन सुरक्षित हो रहा है। तो जो काम मुसलमानों ने नहीं किया है, सिखों ने नहीं किया है, बौद्धों ने नहीं किया है, वो काम अब हमको करना होगा। और इसलिए ये काम, क्योंकि इन लोगों ने सीधा सीधा एक टारगेट बना के रखा हुआ है कि अगर कोई मुस्लिम आंदोलन करता है तो सीधा सीधा उसको टेररिस्ट घोषित कर देते हैं, और अगर कोई अंबेडकराइट आंदोलन करता है, रास्तों पर उतरता है, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ता है, तो उसको नक्सलाइट घोषित करते हैं। तो हम दोनों भी अलग अलग तरीके से इस देश में दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। मुसलमानों को टेररिस्ट बताना और बौद्धों को नक्सलाइट घोषित करना, इस तरह से ये पूरी व्यवस्था हम लोगों की इमेज पूरे भारत में बनाने की साजिश रच रही है। तो यही हम लोग संविधानिक माध्यम से, संविधानिक तौर से ये आंदोलन भारत के बाहर से हम लोग इसमें खड़ा करना चाहते हैं। भारत के बाहर एक बहुत ही अलबेल चित्र प्रेजेंटेशन वहां पर होता है कि भारत में बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, इस तरह का प्रेजेंटेशन वहां पर होता है। क्योंकि मैं खुद वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में जाता हूं जहां पर 150-150 बुद्धिस्ट कंट्रीज के लोग प्रतिनिधि वहां पर आते हैं, वहां के प्रेसिडेंट आते हैं, वहां के बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते हैं, वहां पर भारत से बौद्धों का प्रतिनिधित्व वेंकैया नायडू जैसा आदमी करता है और उनको बताता है कि वेंकैया नायडू ये भारत का बौद्ध है। इस तरह से गलत इंफॉर्मेशन भारत के बाहर भारत की रखी जा रही है, और जब तक हमारी
हमारी असली परिस्थिति भारत के बाहर के लोगों को पता नहीं चलेगी तब तक वो हमारे हक और अधिकार के लिए आगे नहीं आएंगे, और इसलिए ये सारी बातें हमको बाहर रखनी होगी। 22 सितंबर को इस देश का प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस के लिए यूएस जाने वाले हैं। हम उसी दिन यूनाइटेड नेशन के उस कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर, यूनाइटेड नेशन के बाहर, वहां पर इस देश के प्रधानमंत्री का विरोध हम करेंगे, और हम लोग किन समस्या से गुजर रहे हैं ये यूएन के सामने, यूएस में हम लोग वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे, ताकि यूनाइटेड नेशन इस देश में हो रही अन्याय और अत्याचार के बारे में वहां पर ये बात रखे। जो राजनीतिक लोग हैं, मुझे इतना एक्सपीरियंस आया है कि जो नॉन बीजेपी और नॉन आरएसएस के पार्टीज है, हमको लगा कि कम से कम ये तो संविधान को बचाने की बात करेंगे, लेकिन हमको पता चल रहा है कि इनको भी कोई लेना देना नहीं है। ईवीएम मशीन हैक होती है उनसे कोई लेना देना नहीं है, ये संविधान हटता है उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे सामने सिर्फ आकर नाटक करने का काम ये कर रही है। हमने इनका भी साथ चाहा, लेकिन आज तक इन्होंने हमारे इस मूवमेंट के लिए किसी ने भी साथ सहयोग नहीं दिया। बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो नॉन बीजेपी के हैं, जो ऑपोजिशन में होने का दावा करते हैं, वो लोग भी आज चुप है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन भारत की जनता खुद अपने हाथों में ले, कोई ऑपोजिट पार्टी या ऑपोजिशन के लोग आपके साथ इस कारण नहीं आने वाले। और इसलिए चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या बौद्ध हो, हम लोगों को कोऑर्डिनेशन में ये काम करना है। आज हमारे पास वो मीडिया नहीं है ताकि हम हमारी बात हर एक स्टेट्स के लोगों को बता सके, लेकिन फिर भी जितने भी धरना आंदोलन हो रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि हमको संविधानिक माध्यम से करनी है, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने जो सहा है वो ये है कि हमारे आंदोलन में आरएसएस के लोग छोड़े जाते हैं, और ये जानबूझकर पुलिस वालों को टारगेट करते हैं, पुलिस की जीप जलाते हैं या पुलिस के लोगों को पथराव करते हैं, ताकि पुलिस वहां पर धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों के ऊपर हाथापाई करे, लाठीचार्ज करे और हमारे बच्चों को जेल में भिजवाए, अलग अलग कानून के तहत उनके ऊपर एफआईआर करवाए। ये बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हमारे आंदोलन में आरएसएस के लोग घुसाए जा रहे हैं। ये हम लोगों ने महाराष्ट्र में सहा है, हम लोगों ने देखा कि यूपी में और राजस्थान में भी इसी तरह की घटनाएं घटित हुई है, और इसलिए आंदोलन करते समय हम लोगों को पूरी तरह से सावधानी बरतते हुए संविधानिक माध्यम से हम लोगों को वो आंदोलन करने हैं।